नेक्स्ट चीज तो क्या अपन कंटिन्यू करें, टॉपिक अपना बनना वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टॉपिक आना बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। ड्यू टू एक फैक्टर आ जाएगा, मतलब अपने को अलग अलग डेरिवेशन बननी है। एक आ जाएगा ड्यू टू अल्टीट्यूड, यानी ड्यू टू हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट के नाल जी की वेरिएशन की आएगी। सेकेंड अपना केस बन जाना ये करें, सेकेंड अपना केस बन जाएगा ड्यू टू डेप्थ। जैसे अर्थ के अंदर डेप्थ पे जाने तो फिर जी की वैल्यू से क्या चेंज आनी है। थर्ड आ जाएगा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और फोर्थ आ जाएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब इन चेंजेस के नाल बेटा मेरे को ऐसा है जी की वैल्यू की चेंज है। नॉर्मली एक क्वेश्चन की गल शुरू करना आप कहने कि भी जे असी एस एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लगे हैं। एक क्वेश्चन है विल द पेंडुलम क्लॉक रन स्लोअर और फास्टर एट द माउंटेन। जिहड़ी पेंडुलम क्लॉक आ वो ऐसे च मेरे को माउंटेन दे जाके अगे नाल स्लो चल दियां कि फास्ट चल दियां, की दसांगे रिपीट करियो। हां जी के सेम ही रहूगा टाइम पीरियड से वध जाऊगा सर, स्लो हो चुकी है शायद सर, स्लो हो जाएगी टाइम पीरियड वध जाऊगा सर। स्लो क्यों स्लो हो जाएगी सर? जी ज्यादा हो जाएगा, जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जी कम होएगा सर, कम होएगा सर, जी घट जाएगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रेसिप्रोकल होता। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लवांगे ते आई फॉर्मूला बता दूं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द रूट ऑफ एल बाय जी। ये तो अगे जाके ड्राइव भी करांगे फॉर्मूले नु, ठीक है जी। इस मोड ते लेके चलिए ते टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरी इनवर्सली विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो असि ये कहने कि भी अर्थ दी सरफेस दे उत्ते जिन्नी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू आ, जो असी हाइट ते जाइए, जो असी डेप्थ ते जाइए, या असी अर्थ दी रोटेशन कंसीडर करिए, इन्हां तिन्नां केसेस दे अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू हमेशा ही घटनी है, कदी भी नहीं बदनी, ठीक है। यानी जी दी वैल्यू हमेशा रिड्यूस होंदी आ, ठीक है, आइदर एट हाइट और एट डेप्थ और ड्यू टू शेप ऑफ और ड्यू टू कहना जी रोटेशन ऑफ द अर्थ। शेप की गल बाद चो जोड़ांगे हुण। इहदा मतलब जदों असी हाइट ते गए तो जी रिड्यूस हो गया तो टाइम पीरियड मेरा बढ़ गया। टाइम पीरियड उत्ते नॉर्मली क्वेश्चन इदा बना देंदे कि वेदर द पेंडुलम क्लॉक गेन टाइम और लूज टाइम, ते मैनू एक वर्ड क्लियर होवे गेन होया कि लूज होया, ठीक है, घड़ी स्लो हुई कि फास्ट हुई, फर्क इन्हां दोनों दे अंदर। सो जदों तुसीं पैसेज हाइट ते गए हो तो उत्ते जी दी वैल्यू घटन करके टाइम पीरियड बढ़ गया, इहदा मतलब उन्हें टाइम गेन किया। वा किस चीज़ का टाइम गेन किया? एक ऑसीलेशन नूं पूरा करन दा, मतलब एक ऑसीलेशन पूरा करने लिए टाइम गेन करता पाया, ज्यादा लिंदा पाया, तो जो ज्यादा लै रहा तो यदि मतलब मेरी घड़ी अगे नो स्लो हो गई। क्या गल समझ आई? चलो हुण इसे दे बिहार अपना टॉपिक कंटिन्यू करने लगे। इन्हां विचों अपने को फर्स्ट टॉपिक उन्हें बना दिता, ठीक है जी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी, ड्यू टू अल्टीट्यूड। इन्हें आप हाइट वाला केस लै रहे, सो इतने लै रहे मेरे को जरा इफेक्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक है बनावांगे इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का यानी हाइट का मेरे को क्या फर्क पाएगा, जी की वैल्यू कितना चेंज होएगी, उसके लिए डिफाइन करने लगे। उसके लिए फिगर एक बना रहे हैं, ठीक है जी। कंसीडर अब कंसीडर करें कि अपने को एक बॉडी गिवन है और बॉडी का मास मेरे को स्मॉल एम गिवन है एंड बॉडी इज प्लेस्ड इनिशियली ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ਇਨੀ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਆਣੇ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਮੂਵ ਦਾ ਬਾਡੀ ਫਰਮ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਟੂ ਸਮ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ,
ठीक है बॉडी अपना चुकी ए तो बी ते लै गए और ए तो बी तक की हाइट जी आप मान ली कि एस एच एच हैगी क्या वेरिएबल की है फॉर्मूला लिखोगे एक बार अर्थ की सरफेस से एक बार हाइट से जाके वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी we know that acceleration due to gravity at surface of earth acceleration due to gravity at surface of earth is given by g equal to gm by r square aapne jada formula pe try kita hun same formula phir likhna but when the body at certain height theek hai let at height h duji wali condition height h te de do let at height h ठीक है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स उसका फॉर्मूला आप जी डैश ना दे देने जी डैश आ जाएगा अर्थ की सरफेस तो बाहर निकल जावा अर्थ के मास से कोई फर्क नहीं पैना इसलिए एस एच मास का सिंबल एम ही रहेगा पर डिस्टेंस जरा लिख के चलते पे गिवन बॉडी का पहले सेंटर तो आर सीगा हुण गिवन बॉडी का सेंटर तो मेरे को डिस्टेंस जो आर प्लस एच हो गया इसलिए जो इतने डिस्टेंस आना वो एस एच मेरे को आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया क्या आ स्टेप क्लियर है सर आर प्लस एच नो स्मॉल आर भी लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं तो तुसी जी डैश पे आप इस फॉर्म से लिख रहे सर तुसी जी डैश लिखा था हाँ जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ g ਲਿਖ ਲਿਆ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ g ਡੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਸਰ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਅਸੀਂ g ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 1/2 ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆਪਾਂ 2/1 कर दें क्योंकि अपना g डैश की वैल्यू बढ़नी ना बेटा तो देयरफॉर आप इधर बना देने g डैश पे g इसकी वैल्यू बनाओ g डैश पे g अपने को क्या आ जाएगा देयरफॉर g डैश पे g इक्वल टू gm ओवर r प्लस h स्क्वायर इनटू एनी टर्म ना जो तो डिवाइड करेगा तो रेसिप्रोकल करके पहले लिख लो r स्क्वायर ओवर gm तो gm थोड़ा कैंसिल हो जाना अल्टीमेट अपने को जेडी वैल्यू बननी शुरू होएगी अपने को आ जाएगा g डैश बाय g इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r प्लस h द स्क्वायर क्लियर है ना जी यस सर यस सर यस सर मुझे g डैश का फार्मूला लिखना तो बन गया g r स्क्वायर ओवर r प्लस h स्क्वायर ठीक है हुन h दी वैल्यू अर्थ दी सरफेस तो आपा 1 मीटर भी ऊपर उठ गए तो एदा मतलब हो गया आ जेड़ा न्यूमिनेटर दी वैल्यू होएगी जिदा जिदा h इनक्रीज करता जाएगा आ डिनोमिनेटर वाली टर्म मेरी इनक्रीज हुई जानी और एदे इनक्रीज क्योंकि ऊपर g ते r ता फिक्स ही है बेटा ओदा चेंज नहीं होने इसलिए h दे इनक्रीज करना आ डिनोमिनेटर मेरा इनक्रीज हुई है ना ते अल्टीमेटली g डैश दी वैल्यू मेरी डिक्रीज कर दी जाएगी एदा मतलब हो गया 9.8 दे कंपैरेटिवली आ g डैश दी वैल्यू मेरी डिक्रीज करनी आ as the h will going on increasing क्या समझ आई Yes, yes. तो एक रिलेशन मेरा आ होएगा ठीक है जो आप न्यूमेरिकल से यूज करना हूँ ये भी समझियो गल ध्यान ना ये रिलेशन उदो एप्लीकेबल आ इफ एच इज कंपेरेबल विद आर मतलब जे मैनू ये कहा जाए कि भी आप बॉडी नो अर्थ तो 1000 किलोमीटर की हाइट ते लैके अर्थ का रेडियस असं मानते 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਐਸ ਐਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਟ ਐਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਆਰ ਤੇ ਜੇ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਯਾ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਡ ਇਫ ਐਚ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਆਰ ਜੇ ਐਚ ਅਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਐਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਮਾਲਰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰ ਤੇ ਜੇ ਐਚ ਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਚ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10-15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਮੈਂ 10 ਪਲੱਸ ਕਰ ਵੀ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਐਚ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਆਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਥੱਲੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਮੈਰੀਕਲ ਚ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਜੀ ਓਵਰ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਯੈਸ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਐਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਓਵਰ ਆਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੇਰਫੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਓਵਰ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਯਾਨੀ 1 ਪਲੱਸ ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਪਾਵਰ 2 ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੋਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਇਨਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਥਿਓਰਮ ਸੀਗੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ 1 ਪਲੱਸ x ਪਾਵਰ n ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ 1 ਪਲੱਸ nx ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ x ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ n x ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਲਈਏ 1 ਪਲੱਸ h ਬਾਈ r ਨੂੰ ਮੈਂ x ਪੜਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ n ਪੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਨੂੰ h ਬਾਈ r ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਬਾਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ h ਬਾਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਆ h ਲੈਸ ਦੈਨ r ਤੇ ਜੇ ਐਚ ਆਰ ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ ਤੇ ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗੀ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਤੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਪਲੱਸ n n ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਨਟੂ x ਆਪਣਾ ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਨਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਐਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਆਰ ਕਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਯੈਸ ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਐਸ ਐਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਚ ਮੇਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਆ 2 ਐਚ ਬਾਈ ਆਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆ ਟਰਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ
therefore ethe na peda likhange as h increases therefore 2h by r increases and hence ethe increase karan karke g dash di value jehdi oh meri decrease karegi kya samajh aaya yes yes kya sare nu clear hai na yes sir yes sir chal last part ida reh gaya ede vich percentage change kadni apan कई बार नमेरिकल अपने वर्ड इस वे ना आने कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी ठीक है देन बॉडी इज टू बी टेकन अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ यानी जे मैं किसी बॉडी नो अर्थ दी सरफेस तो चुके 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हाइट ते ले जा ते मैंने पूछा जावे ओदे वेट विच किन्ने परसेंट चेंज आई है ते जो पुत लाइन समझे दिमाग च जो परसेंटेज चेंज जी दी होएगी जो परसेंटेज चेंज जी दी होएगी ओही परसेंटेज चेंज वेट दी भी होएगी क्योंकि वेट एम जी तो बनना ते एम ते कोई इफेक्ट नहीं होना हाइट करके यानी जो मैं अपनी वर्ड ले रहा हूं इनो अपन जी इदा लिखिए परसेंटेज चेंज इन जी जिन्ना परसेंटेज चेंज जी दी कढ़नी होवे है ना ते बेटा जी दी वैल्यू मैंने तो आ दिख दी भाई ए तो अपन परसेंटेज चेंज किनू कहने आ चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100% जे मैं इस रिलेशन तो फर्दर कंटिन्यू करके ये तो जी डैश तो जी बना जी डैश की वैल्यू जी तो छोटी है बेटा इसलिए जे मैं तो जी माइनस जी डैश कढ़ना हो आप ब्रैकेट एक्सपेंड करके मुड़ के सिंपलीफाई करा ते जो जी माइनस जी डैश कढ़ना ते अपनी वैल्यू आ जानी है 2hg/r गल समझ लगी जी इथे आ जाएगा जी ना मल्टीप्लाई इथे हो जू ते जी माइनस जी डैश कढ़ लो वैल्यू 2hg/r बनती है ये आया g माइनस g डैश ते परसेंटेज चेंज क्या जांदा चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100% मतलब g माइनस g डैश ओवर g इनटू 100% इस सारी चीज नो असि परसेंटेज चेंज इन g कहने हैं क्या गल समझ लगी यस सर ते जे मैं हुन इथों इदी वैल्यू कढ़ा ते g माइनस g डैश दी वैल्यू 2hg/r आ ओवर जी लग जाना ठीक है जी ना जी कटिया जाना अल्टीमेट मेरे को सारी चीज की वैल्यू 2h/r * 100% आ जाएगी क्या आ समझ आई चीज यस इतना क्लियर आ यस सर ते जे मेरे परसेंटेज चेंज इन वेट कह देंदा है ना ते वेट वाले अपन इतना इथे भी m ते इथे भी m सारे ना m ही लगना सी m ऊपर नीचे कटिया जाना इसलिए जो परसेंटेज चेंज अपने को वेट चाहेगी वही परसेंटेज चेंज अपनी जड़ी हो जी दी होएगी क्या समय लग गया पूरा टॉपिक यस सर इस पूरे टॉपिक कोई डाउट है